Good morning, dear students. How are you? We hope all of you are fit and fine, and we are welcoming you at our YouTube channel Inspire Physics, Inspire Education Gona. देखिए बेटा, हमने लास्ट लेक्चर में 11th फिजिक्स का वेक्टर टॉपिक स्टार्ट किया था, और कल हमने वेक्टर के बारे में बहुत ही बेसिक से स्टडी किया. आज हम बेटा वेक्टर में थोड़ा सा और आगे मूव कर रहे हैं. हमारा यही टारगेट रहेगा कि एक बार हम वेक्टर कंप्लीट कर लें, उसके बाद कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे. तो आज बेटा हम उसी सीरीज में वेक्टर के अगला लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, अगला लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं. आई होप आप जो लास्ट लेक्चर आपने इंजॉय किया होगा, और जो बेटा डायरेक्ट ये लेक्चर देख रहे हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं या हम उनको गाइड कर रहे हैं कि बेटा ये लेक्चर तब समझ आएगा जब आप पीछे वाला बिल्कुल अच्छे से समझ के आओगे. तो देखो बेटा, आज हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. वेक्टर के अंदर हमने ये देखा बेटा कि वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड होता है और एक फिक्स डायरेक्शन होती है. वेक्टर एडिशन, सबसे पहले हमें क्या करना है, ऐसे समझो हमारे पास दो वेक्टर हैं. एक वेक्टर बेटा ए वेक्टर है और एक वेक्टर बी वेक्टर है, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है. मीन्स दो वैक्टर है हमारे पास, एक ए वैक्टर है और एक बी वैक्टर है, दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा. ऐसे समझो कि ये वैक्टर ए है और ये वेक्टर हमारे पास बी है. ये वेक्टर क्या है बेटा हमारे पास, बी. ये दो वेक्टर हैं, इन दो को अगर हम ऐड कर दें तो ये नेट कितना इफेक्ट डाल पाएंगे, नेट कितना रिजल्टेंट देंगे, कितना हमें रिजल्ट मिलेगा, तो उस नए वेक्टर का नाम है बेटा रिजल्टेंट वेक्टर. नया वेक्टर क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर. मींस अगर हम ए और बी को ऐड कर दें तो एक हमें नया वेक्टर मिलेगा. मतलब एक नया, आप ऐसे समझो दो फोर्स लगाए, उन दो फोर्स के लगाने से एक नेट फोर्स लग रहा है उसके ऊपर, वो कितना लग रहा है वो हमें कौन बताएगा, रिजल्टेंट वेक्टर. तो आज हम बेटा रिजल्टेंट वेक्टर के ऊपर फोकस करने जा रहे हैं. मतलब दो वेक्टर को ऐड करें फिर दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, आज हमारा वो टारगेट रहेगा. चलो बेटा स्टार्ट करते हैं. ऐसे समझो इसको बेटा ऐड करने के तीन रूल हैं. पहला रूल है ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल ला. सेकंड है बेटा पैरेललोग्राम ला, और थर्ड है बेटा पॉलीगॉन ला. और जब आप लोग इसको बुक से पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आपके सामने इनकी इतनी बड़ी बड़ी डेफिनेशन है कि आप वो डेफिनेशन देख के ही डर जाते हैं. आप वो डेफिनेशन देख के ही आपके अंदर एक फोबिया, एग्जाम फोबिया, डर वो क्रिएट हो जाता है. आज हम बेटा ऐसा कुछ पढ़ेंगे जिससे आपका वो डर खत्म हो जाएगा, और इन तीनों की आपको स्टेटमेंट ऑटोमेटिक ध्यान हो जाएगी, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. चलो बेटा स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ. सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, ट्रायंगल लॉ. तो बेटा ट्रायंगल लॉ ये कहता है वेक्टर एडिशन का, दो वेक्टर को जोड़ना है, एक ट्रायंगल लॉ की हेल्प से जोड़ रहे हैं. तो ये कहता है बेटा देखो, इन दो वेक्टर्स हैं, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा. एक चीज देखो, ये इसका क्या है, टेल. ये क्या है, इसका हेड. ये इसका क्या है, टेल. ये क्या है, इसका हेड. दो वेक्टर को ट्रायंगल की दो साइड के रूप में हमें लेना है. मीन्स जो दो वेक्टर का एडिशन करना है उनको ट्रायंगल की दो साइड के रूप में एडजस्ट कर दो, और एडजस्ट ऐसे करना है एक के हेड के ऊपर दूसरे का टेल आए. मीन्स इसका हेड है और इसका टेल इसके ऊपर है. मीन्स अगर हम ऐसा लिख दें, ये हमारे पास ए वेक्टर है, ये बेटा इसका टेल होगा, ये हेड. अब दूसरा वेक्टर हमें कहाँ रखना है, इसके हेड के ऊपर. तो ये हमारे पास क्या है, दूसरा वेक्टर बी. दो वेक्टर हमने ट्रायंगल की दो साइड के रूप में रिप्रेजेंट कर दिए. अब बेटा इनके बीच का एंगल क्या है, इनके बीच का एंगल आप देखना चाहो तो ये एंगल है थीटा. ठीक है, एंगल हमेशा कहाँ से देखा जाता है, एक्स एक्सिस से, एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, इतना आ गया. अब इन दो को जोड़े तो जो नेट आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, ट्रायंगल की तीसरी साइड. मीन्स ये आएगा बेटा ट्रायंगल की तीसरी साइड. ये हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर. तो आपको कुछ समझ आया होगा कि ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम दो वेक्टर को ऐड करें तो हमें दो वेक्टर को ट्रायंगल की दो साइड के रूप में एडजस्ट करना है, और दोनों साइड सेम ऑर्डर में हो, ये भी बेटा इस डायरेक्शन में और ये भी इस डायरेक्शन में. तो उन दोनों का जो एडिशन है, उन दोनों का जो रिजल्टेंट है, वो हमें क्या देगा, रिजल्टेंट वेक्टर, ट्रायंगल की तीसरी साइड इन अपोजिट ऑर्डर. अगर बेटा देखो ये इस ऑर्डर में है, इस ऑर्डर में, अगर ये इसी साइड होती तो हम कहते हैं सेम ऑर्डर में, लेकिन ये क्या है, इसके अपोजिट ऑर्डर. तो ये है बेटा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ठीक
ठीक है। अब आपको इसकी स्टेटमेंट बनानी है, तो स्टेटमेंट क्या होगा बेटा, ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशंस द टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन सेम ऑर्डर, देन द रिजल्टेंट विल बी गिवन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल इन अपोजिट ऑर्डर। तो ये बेटा कोई मुश्किल नहीं है। तो ये है हमारे पास पहला लॉ वेक्टर को ऐड करने के लिए, उसको नाम हम क्या दे रहे हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस। मैं इसको एक बार बेटा यहाँ ड्रॉ करके छोड़ देते हैं। ये हमारे पास एक वेक्टर, ये हमारे पास दूसरा वेक्टर, और ये हमारे पास क्या आ गया, रिजल्टेंट आर, और इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या था, थीटा। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या था, थीटा। अब हम बेटा फोकस करें नेक्स्ट के ऊपर। देखो ये रिजल्टेंट वेक्टर है, दो वेक्टर है, इनको ऐड करना बेटा। हम रिजल्टेंट वेक्टर, अब ये हमारा टारगेट रहेगा, हमें ये मिल गया कि यहाँ आएगा रिजल्टेंट वेक्टर, यहाँ आएगा, लेकिन ये किस एंगल पर आएगा, मान लो अल्फा एंगल पर, और क्या इसकी वैल्यू होगी, मीन जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है हमारा उसका मैग्नीट्यूड क्या है और उसकी डायरेक्शन क्या है। अब हमारा इसके ऊपर फोकस रहेगा ये निकालना। ये बेटा तीनों केसेज में सेम है, क्योंकि हमें जोड़ना तो दो वैक्टर को है, दो वैक्टर को चाहे इस मैथड से जोड़ लो, चाहे इस मैथड से जोड़ लो, चाहे इस मैथड से जोड़ लो, रिजल्ट सेम आएगा। तो हम एक पैरेललोग्राम का पढ़ेंगे, उसमें हम डेरिवेशन करेंगे, और वही डेरिवेशन आपको हर केस में, मींस जो रिजल्ट है वो हर केस में वही आएगा। तो मैं भी आपको यही गाइड करूंगा कि आप रिजल्ट डेरिवेशन तीनों का ना करके किसी भी एक का करें, और वही फॉर्मूला आप न्यूमेरिकल में अप्लाई करें, जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो ये था बेटा हमारे पास ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट हमारे पास है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बेटा इसके अंदर ट्रायंगल लॉ के अंदर स्टेटमेंट याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं ये कहता हूँ स्टेटमेंट हमें याद नहीं करनी, समझनी है। दो वेक्टर ऐसे थे, एक ये वेक्टर हो गया और एक ये वेक्टर, ये मान लो एक वेक्टर है, ये इसका हेड है और ये एरो, ये टेल है, ये हेड है, ये टेल है, ये हेड। तो हमने दो वेक्टर को कैसे रखा, एक के हेड के ऊपर दूसरे का टेल आए, ऐसे रख दिया। तो अब दो इन दोनों को ऐड करें तो जो इनका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा बेटा वो आएगा तीसरा वेक्टर, ऐसे ये यहां से लेकर यहां तक, ये क्या उनका रिजल्टेंट वेक्टर। अब इसकी एरो देखो कहां है, ये सेम ऑर्डर होता लेकिन इसकी एरो कहां है, अपोजिट ऑर्डर। तो ये आपको थोड़ा सा समझना है, ठीक है। अब हम बात करें बेटा नेक्स्ट लॉ, नेक्स्ट लॉ हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, हमें जो दो वेक्टर हैं, अब हमने क्या रखा था बेटा, एक के हेड के ऊपर दूसरे का टेल, ऐसे रखा। अब हमें एक के हेड के ऊपर दूसरे का हेड रखना है, मतलब अब हम ऐसे रखेंगे, मींस अब हमें क्या रखना है, एक वेक्टर हमारे पास ए वेक्टर है, एक वेक्टर क्या है हमारे पास ए वेक्टर, उसके हेड के ऊपर दूसरे का हेड रखना है, तो ये क्या आ गया बेटा बी वेक्टर, और दोनों का हेड यहां है, ठीक है। अब आपको पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है, मींस ए के पैरेलल में एक वेक्टर ए वेक्टर, बी के पैरेलल में एक वेक्टर बी वेक्टर। तो ये वेक्टर क्या है हमारा ए वेक्टर, और ये क्या है बी वेक्टर, क्योंकि ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। तो ये हमारा बेटा एक पैरेललोग्राम बन गया। अब हम ध्यान से देखें तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, सबसे पहली बात, टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, मींस दो वेक्टर को उन दो साइड के रूप में रिप्रेजेंट करना है जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, ठीक है। ये मीनिंग है बेटा एडजेसेंट साइड का, मींस टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, देन द रिजल्टेंट विल बी गिवन बाय डायगोनल। अब देखो बेटा डायगोनल इसमें ये भी है और डायगोनल इसमें ये भी है, लेकिन रिजल्टेंट वो डायगोनल आएगा जिसका इनिशियल पॉइंट सेम है दोनों वेक्टर के साथ, मींस एक डायगोनल ये है बेटा, एक डायगोनल ये, अगर हम ये डायगोनल लें तो इनिशियल पॉइंट तीनों वेक्टर का सेम नहीं है, और इसमें ए और बी का भी इनिशियल पॉइंट सेम है, और जो रिजल्टेंट आएगा उसका भी इनिशियल पॉइंट सेम आएगा, मींस ये हमारे पास आएगा रिजल्टेंट वेक्टर। तो बेटा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की अगर हमें स्टेटमेंट ड्रॉ करनी है या हमें स्टेटमेंट लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, देन द रिजल्टेंट वेक्टर गिवन बाय डायगोनल विच ऑल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, और ये दोनों वेक्टर के बीच का बेटा एंगल क्या था, थीटा। ये हमारा रिजल्टेंट आ गया।
अब देखो बेटा ये दोनों लोग सेम कैसे हैं, सेम कैसे हैं देखो, अगर मैं इसको आपके सामने कवर कर दूं तो ये और वो फिगर एग्जैक्ट सेम है, ए वेक्टर बी वेक्टर और रिजल्टेंट। मींस चाहे आप वेक्टर एडिशन किसी भी तरीके से कर लो, दो वेक्टर का वेक्टर एडिशन करोगे तो या तो ट्रायंगल लॉ लगेगा या पैरेललोग्राम, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, क्योंकि दोनों दो वेक्टर को जब भी ऐड करोगे रिजल्ट हमेशा सेम ही आएगा। तो चाहे आप उसको पैरेललोग्राम के लॉ से कर लो, चाहे आप ट्रायंगल लॉ से वेक्टर ऐड कर लो, दोनों का रिजल्ट हमेशा सेम है। अब हमें बेटा ये तो पता, ये पता चल गया कि ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ से वेक्टर को ऐड करना है, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ से वेक्टर को ऐड करना है तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। अब हमारा टारगेट ये है कि ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी और ये कितने एंगल पर आएगा, ये एंगल अल्फा। अब हमें क्या क्या हमारा टारगेट रह गया, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है और डायरेक्शन क्या है, या आप कह दो अल्फा एंगल क्या है। अब हमें ये दो चीजें निकालनी है वेक्टर एडिशन के अंदर। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। अगर हम स्टार्ट करें इसको बेटा, मैं एक बार रफ कर रहा हूं, ट्रायंगल लो ये हम समझ लिया क्या होता है, और आर हमने किसको लिखा हुआ है, ए और बी के रिजल्टेंट को। अब अगर हम ऐसा कर दें, इस फिगर को मैं एक बार फिर से बना रहा हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियरली विजिबल हो जाए। ऐसे समझो ये हमारे पास एक वेक्टर था ए वेक्टर, ये हमारे पास बेटा सेकंड वेक्टर था बी वेक्टर, और ये इनके बीच का एंगल थीटा। हमने क्या किया, एक पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, ये हमारा पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। इस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, ए के सामने ए वेक्टर, बी के सामने बी वेक्टर। तो ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया, और इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट आएगा बेटा डायगोनल, कौन सा डायगोनल, जो उसी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। मीन्स ये इसका क्या जाएगा, रिजल्टेंट, ये क्या आएगा हमारे पास, रिजल्टेंट वेक्टर, बी की एरो ऊपर है, बी की एरो ऊपर, ठीक है। अब हमारा टारगेट क्या है, तो ये आर की वैल्यू निकालना और एक ये निकालना किस एंगल पर आएगा। अब एक चीज देखो बेटा, अगर मैं ए को थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, ए को मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया और यहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर। अब ए और बी के बीच का एंगल क्या है, थीटा, तो यहां भी तो ए और बी के बीच का एंगल क्या रहेगा बेटा, थीटा। ये एंगल भी क्या रहेगा, थीटा। अगर ये एंगल थीटा है, मुझे आर निकालना है, आर अगर हमें राइट एंगल ट्रायंगल पता है तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, ये हम कर सकते हैं। लेकिन यहां करें कैसे, हमारे पास ना हमें ये पता ना हमें ये पता। एक सेकंड के लिए इसको मैं मान लेता हूं बेटा एक्स वेक्टर, और इसको मान लेता हूं वाई वेक्टर, या इस जो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें कि इनकी वैल्यू क्या आएगी, एक को मैं मान लेता हूं एक्स वैल्यू आएगी और एक को मान लेता हूं वाई आएगा, और बी वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड क्या है, बी। अब एक चीज देखो, इस राइट एंगल ट्रायंगल से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं एक्स बाई बी कर दूं, एक्स बाई बी, एक्स क्या बेटा बेस, बी क्या है हाइपोटेनियस, बेस बाई हाइपोटेनियस क्या होता है कोस थीटा, तो हमारे पास एक्स क्या आ गया, बी कोस थीटा। मीन्स ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, बी कोस थीटा। सिमिलरली अगर मैं वाई बाई बी करूं बेटा, वाई बाई बी करें, वाई क्या है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाई बेस हम 10th क्लास में पढ़ के आए हैं क्या होता है साइन थीटा, तो y हमारे पास क्या आ गया b sin थीटा, मींस y की वैल्यू क्या आ गई b sin थीटा। आई होप अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। देखो क्या आएगा, बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस क्या बेटा हमारे पास r, r का स्क्वायर r स्क्वायर, और क्या है बेस, बेस हमारे पास क्या क्या है, देखो बेस में हमारे पास बेटा दो चीजें हैं, a प्लस बी कोस थीटा, ए ये वेक्टर है बेटा और इसकी इस लेंथ को हम क्या बोलेंगे मैग्नीट्यूड, वो हमारे पास क्या है ए, तो बेस हमारे पास क्या बन गया ए प्लस बी कोस थीटा का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बी साइन थीटा का स्क्वायर। अगर इसको हम बेटा ओपन करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कोस थीटा
प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। अगर मैं बी स्क्वेयर को इसके पास ले आऊँ कोस के, तो बी स्क्वेयर को हम ले लेंगे, क्या आएगा साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा प्लस टू ए बी कोस थीटा। ये हमारे पास क्या आ गया आर स्क्वेयर, और साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर बेटा क्या होता है वन, तो आर स्क्वेयर की हमारे पास वैल्यू क्या आएगी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी कोस थीटा। या अगर हम आर निकालें तो क्या आएगा अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी कोस थीटा। तो बेटा ये है वो फॉर्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्वेल्थ और प्लस वन की कंप्लीट फिजिक्स में ये फॉर्मूला काम आएगा आपको। ये बेटा डेरिवेशन आपको आए ना आए, क्योंकि डेरिवेशन बेटा सिर्फ इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, कंपटीशन के लिए हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला होता है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे लगाने हैं वो आपको प्रैक्टिस करना है। थ्योरी एग्जाम में या बोर्ड के एग्जाम में आपको बेटा ये डेरिवेशन करना है, कॉम्पिटिशन के लिए सिर्फ ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। अब हमारे पास बेटा ये निकल के आ गया कि दो वैक्टर को हमने एड किया तो हमारे रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आएगी आर, रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आएगी आर, क्लियर। अब हम ये देखना चाहते हैं कि मैग्नीट्यूड तो हमें पता चल गया आर की वैल्यू, अब ये अल्फा हमारा रह गया, अब हम अल्फा निकालना चाह रहे हैं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है कैसे, देखो इन दो वेक्टर को बेटा मैं ऐड करूं तो रिजल्टेंट कहां आएगा इनके बीच में आएगा ये, क्योंकि हम यहां पर एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे, मान लो थोड़ा ऐसे है तो ये हम यहाँ पे पैरेललोग्राम और फिर यहाँ पे क्या रिजल्टेंट, रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई आर, कि जो ये नेट फोर्स इन दो को हटा दें तो ये दोनों मिलके इतना फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में। अब किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं ये एंगल हमें निकालना है। अब हमारा टारगेट बेटा ये एंगल निकालने का है, एंगल कैसे निकालें, एंगल देखो एंगल हमें कौन सा निकालना है अल्फा, अल्फा के केस में हमें क्या क्या पता है, एक ये पता है एक ये पता है, मींस हम टेन अल्फा लगा सकते हैं। टेन अल्फा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर भी हमें पता है बेस भी हमें पता है, तो क्या आ जाएगा बेटा बी साइन थीटा बाई में ए प्लस बी कोस थीटा। तो ये है बेटा टेन थीटा या टेन अल्फा, या आप इसको ऐसे लिख दो अल्फा टेन इनवर्स बी साइन थीटा ए प्लस बी कोस थीटा। तो बेटा ये दो फॉर्मूले हैं एक और दो, एक और दो, इन दो फॉर्मूलों के ऊपर पूरी फिजिक्स टिकी हुई है प्लस वन प्लस टू की आगे की। जहां भी हम वेक्टर पढ़ेंगे दो वेक्टर को ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है, ये दो फॉर्मूले आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, आप जब तक लाइफ में फिजिक्स पढ़ते जाओगे प्लस टू बी एस सी एम एस सी जब तक ये दो फॉर्मूले पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो उससे अच्छा है कि हम यहीं पर इनको बहुत अच्छे से कर लें, इतने अच्छे से कर लें कि ये हमें आगे प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। तो ये था बेटा हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ से या किसी भी लॉ से, पैरेललोग्राम या ट्रायंगल दोनों लॉ से वेक्टर को ऐड करें तो हमारे पास रिजल्टेंट यही निकल के आएगा, क्योंकि इसको छिपा दे तो यही ट्रायंगल है, उसको भी ऐसे ही सोल्व करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा एडिशन, एडिशन को इन दो तरीकों से सोल्व करना है। अब हम ये चेक करना चाह रहे हैं, आपको पहले से पता है ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर बेटा आप 5 न्यूटन फोर्स यहां लगा दो और 5 न्यूटन फोर्स इस साइड लगा दो, और इस साइड से भी 5 न्यूटन और इस साइड से भी 5 न्यूटन दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इसके ऊपर दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में, तो कितना फोर्स लग गया 10 न्यूटन आपको पता है। अगर मैं 5 न्यूटन इस साइड लगा दूं और बेटा 5 न्यूटन इस पे ही मैं इस साइड लगा दूं, इस साइड अपोजिट 5 न्यूटन इस साइड और इससे 5 न्यूटन इस साइड, तो नेट फोर्स क्या है जीरो। मींस ये अब हमें यहां से भी ये हम समझ सकते हैं कैसे, एक बार इसको बेटा रफ कर रहे हैं फिर डिस्कस करेंगे इसको। दो फॉर्मूले मैं लिखे रहने देता हूं, दोबारा लिखेंगे हम, फिगर बना हुआ है, क्या क्या हमने निकाल दिया इसको हटा देते हैं जो एक्स्ट्रा है। अब जो आपको ध्यान रखना है, एक तो ये ध्यान रखना है दो वेक्टर को जब भी ऐड करें रिजल्टेंट वेक्टर क्या आता है, सॉरी रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर टू ए बी कोस थीटा। ये हाँ आर है, क्या आर क्या है ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड किया तो क्या वेक्टर है,
सिंपली बेटा अगर ये याद करने में दिक्कत आए तो सिंपली याद कर लो, ए प्लस बी का कर रहे हैं तो ए प्लस बी का स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और साथ में इसमें एंगल का इन्वॉल्वमेंट है तो कोस थीटा साथ में चिपका दो। इस तरीके से हम ध्यान रख सकते हैं रिजल्टेंट आ गया, और रिजल्टेंट किस एंगल पे है ए के साथ, तो वो क्या आ जाएगा बेटा टेन इनवर्स बी साइन थीटा बाई में ए प्लस बी कोस थीटा। अब हम चेक करना चाह रहे हैं कि ये रिजल्टेंट मैक्सिमम कब आएगा, मीन्स आर है वो मैक्सिमम कब आएगा, आर मैक्सिमम कब आएगा बेटा, देखो जब हमारे पास ए स्क्वेयर की वैल्यू हमेशा प्लस ही रहेगी, बी स्क्वेयर की वैल्यू भी हमेशा प्लस ही रहेगी, मीन्स किसी का स्क्वेयर करें वो हमेशा क्या आएगा प्लस, टू ए बी ये भी प्लस रहेगा, मीन्स अगर कोस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है और मैक्सिमम है तो हमारे पास क्या आएगा आर मैक्सिमम, मीन्स कोस थीटा क्या होना चाहिए पॉजिटिव भी होना चाहिए और मैक्सिमम भी होना चाहिए। अगर हमारे पास कोस थीटा बेटा मिनिमम है, मिनिमम कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव, और ये वैल्यू होती है बेटा कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू प्लस वन और ये माइनस वन, मीन्स ये रिजल्टेंट मैक्सिमम कब आएगा जब दोनों के बीच का जो एंगल है वो एंगल हमें वैल्यू प्लस वन दे, और मिनिमम कब आएगा जब ये वैल्यू माइनस वन दे। तो बेटा कोस थीटा का अगर ध्यान नहीं है वैल्यू तो मैं एक बार फिर बता रहा हूं, ये ध्यान रख लो ये होता है बेटा साइन थीटा, ये ग्राफ किसका है साइन थीटा, और ये इस एक्सिस पे क्या है थीटा, यहां आएगा बेटा 0, 90, 180, 270, 360, ये ग्राफ किसका है साइन का, और ये वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू साइन की प्लस वन होती है, मिनिमम वैल्यू माइनस वन। इसी तरीके से हम कोस का भी ध्यान रख सकते हैं, तो ये हमारे पास कोस थीटा का ग्राफ है और इस एक्सिस पे बेटा थीटा, ये ग्राफ किसका है कोस थीटा, तो वो यहां से स्टार्ट होगा 0, 90, 180, 270 और 360 डिग्री वो आप कर लेना। अब हमें क्या चाहिए कोस थीटा की वैल्यू प्लस वन, कोस थीटा की वैल्यू प्लस वन मतलब कोस थीटा की वैल्यू प्लस वन बेटा कहां है जीरो के ऊपर, मीन्स थीटा क्या होना चाहिए आर मैक्सिमम के लिए थीटा क्या होना चाहिए जीरो, और माइनस वन, माइनस वन बेटा कहां मिलेगा ये प्लस वन ये माइनस वन, माइनस वन कहां मिलेगा 180, माइनस वन बेटा यहां है कितना एंगल है 180, मीन्स जब थीटा 180 होगा तो रिजल्टेंट क्या आएगा मिनिमम। क्या ऐसा ही होता है रियल में, होता है बेटा ऐसा ही, अभी हमने देखा एग्जाम्पल से, इसके ऊपर हमने दो फोर्स लगाए, एक फोर्स इस साइड लगाया और ये फोर्स 5 न्यूटन बेटा इस साइड है और ये भी 5 न्यूटन बाहर की साइड है, 5 न्यूटन इस साइड 5 न्यूटन इस साइड, तो दोनों मिलकर क्या हुए 10, तो 10 कब हुए बेटा जब दोनों का एंगल जीरो है, मीन्स दोनों सेम डायरेक्शन में है, और सेम डायरेक्शन में है तो एंगल क्या रहेगा जीरो, मीन्स सेम डायरेक्शन में थे तो हमें 5 और 5 10 मैक्सिमम मिला। अगर मैं इसको बेटा उल्टा कर देता हूं, इसको मैं ऐसे कर देता हूं 5 न्यूटन इस साइड 5 न्यूटन इस साइड, तो हमारा जो एंगल क्या हो गया बीच का एक इस साइड जा रहा है एक इस साइड, एंगल क्या है 180, और 180 है तो क्या मिलेगा मिनिमम, 5 इस साइड लगाओ आंसर क्या आएगा जीरो, 20 इस साइड लगाओ आंसर क्या आएगा जीरो, मीन्स मैक्सिमम मिनिमम कब मिलेंगे जब उनके बीच का एंगल जीरो है या 180 है। या बेटा आप इसको और भी ऐसे भी कर सकते हो, मैक्सिमम कब मिलेगा हमें जीरो के ऊपर, अगर मैं बेटा यहां जीरो लिखूं तो आर मैक्सिमम क्या आएगा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर टू ए बी कोस 0 1 मीन्स ए प्लस बी जो अभी हमने एग्जाम्पल देखा उसमें था। मिनिमम कब आएगा बेटा जब हमारे पास 180 है, 180 करेंगे माइनस वन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये क्या होता है ए माइनस बी, तो कोई भी दो वेक्टर है उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम कब आएगा जब वो सेम डायरेक्शन में लगेंगे, मिनिमम कब आएगा जब वो 180 पर आएंगे, और उसके बीच में किसी एंगल पर है तो हमें रिजल्टेंट इस फॉर्मूले से निकालना है कंप्लीट का। तो ये था बेटा हमारे पास वेक्टर को एडिशन, वेक्टर को ऐड करने का तरीका। अब बेटा एक और कर लेते हैं इसी के साथ साथ, ये हमने देख लिया इतना वेक्टर एडिशन है, अगर हमें बेटा वेक्टर सब्ट्रैक्ट करना हो, ये एंगल क्या था हमारे पास थीटा थीटा, ये एंगल क्या है अल्फा, अगर हमें वेक्टर के अंदर सब्ट्रैक्शन करनी है मीन्स घटाना है, घटा कब था अपोजिट डायरेक्शन में था, या हम इसको ऐसे कह दें कि हमारे पास हमें a माइनस बी करना है,
हमें क्या करना है, एक वेक्टर में से दूसरा वेक्टर सब्ट्रैक्ट करना है। बेटा अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास, इसको मैं ऐसे लिख दूं, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। और हमें ए और बी के बीच का एंगल हमने स्टार्टिंग में लिखा था बेटा, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है और इन दोनों के बीच एंगल क्या है, थीटा। अब इनके बीच का एंगल क्या होगा, देखो ये वेक्टर क्या है, ए, ये बी है, तो बी में हमें क्या जोड़ना है, माइनस बी। और लास्ट वीडियो में हम पढ़ के आए नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, अगर ये वेक्टर बेटा ए है तो नेगेटिव कहां आएगा, माइनस ए, अपोजिट डायरेक्शन। तो बेटा बी का नेगेटिव कहां आएगा, यहां आएगा माइनस बी वेक्टर। मीन्स ये वेक्टर बी था तो ये क्या आ गया, माइनस बी, सही है ना, थोड़ा सा तिरछा बना, ये बेटा बिल्कुल इसके सामने आएगा ऐसे, ठीक है, इतना आप कर दोगे रेंज, ये ऐसे आएगा बिल्कुल, ये क्या है, माइनस बी वेक्टर। अब बेटा अब माइनस साइन को भूल जाओ, हमें एक ये वेक्टर है एक ये वेक्टर, इन दो वेक्टर को ऐड करना है, इन दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, लेकिन लगा तब देंगे जब हमें इनके बीच का एंगल पता होगा। इनके बीच का एंगल क्या है बेटा, ये ए है ये बी था, इनके बीच का एंगल थीटा, ये कंप्लीट एंगल 180, तो ये एंगल क्या बच गया हमारे पास, 180 माइनस थीटा। मीन्स इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 180 माइनस थीटा। अगर आप ये लिखो तो रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा, ये क्या आएगा बेटा, ये आएगा। अब cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, जो बायो है उनको पंगा है, बायो है उनको दिक्कत है, cos a प्लस माइनस b, अगर बेटा यहां प्लस होता है तो cos a cos b, माइनस साइन ए साइन बी, अगर माइनस है तो यहां प्लस, हमारे यहां पे क्या है, माइनस, तो क्या आएगा बीच में, प्लस। मतलब इसको अगर मैं अलग से सोल्व करूं कोस 180 माइनस थीटा को, तो हमारे पास क्या आएगा, कोस 180 इंटू कोस थीटा माइनस प्लस साइन 180 साइन थीटा, साइन 180 साइन 180 में वैल्यू क्या है, जीरो, तो ये वैल्यू बेटा जीरो, और ये cos 180 cos 180 में माइनस वन, तो ये हमारे पास क्या आ गया, माइनस cos थीटा। मींस रिजल्टेंट हमारा क्या आएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, यहां माइनस cos थीटा माइनस आ गए, माइनस 2ab। मींस दो वेक्टर को अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें ये, अच्छा cos थीटा रह गया, cos थीटा, दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है तो बेटा हमें ये फॉर्मूला लगाना है, या आप इसको आप सिंपली भी कर सकते थे, b की जगह पहले क्या था, a प्लस बी, अब b क्या क्या है, माइनस बी, तो यहां माइनस बी रख लो, माइनस बी रखोगे क्या आएगा, माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, 2a माइनस बी माइनस आ गया जाएगा, ये फॉर्मूला है। तो जब भी बेटा दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है तो हम एडिशन वाले फॉर्मूले से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा कर देंगे b का माइनस बी लेके उसको इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, a माइनस बी, क्लियर। अब हमें यह देखना है कि जो इन दोनों का रिजल्टेंट, देखो बेटा इनका आर कहां आएगा, अगर मैं ड्रॉ करूं मार्कर कहां गया, अगर बेटा मैं इन दोनों को ड्रॉ करूं तो ये इसके पैरेलल है, ये और ये इसके ऐसे, तो इनका रिजल्टेंट कहां आएगा, यहां, और इस रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब बेटा एंगल क्या आएगा, tan अल्फा, एंगल क्या आएगा, अल्फा, एंगल हमें निकालना है तो हम यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे अल्फा, एंगल क्या आएगा बेटा, यही दो हमें रखने हैं ए बी, इनके बीच का एंगल क्या आ रहा था, अल्फा, अब हमने बी की जगह क्या लिया, माइनस बी, एंगल में ले देखें तो एंगल में क्या आएगा, आप यहां पर क्या रख दोगे, बी साइन थीटा। अब इन दोनों के बीच का बेटा एंगल क्या है, अल्फा को अगर मैं सोल्व करूं तो क्या आएगा, टेन इनवर्स बी साइन थीटा, अब इन दोनों के बीच का बेटा एंगल कितना है, 100 sin 180 माइनस थीटा, बाई में ए प्लस बी कोस 180 माइनस थीटा। मींस जो हमारे पास फॉर्मूला था वो ए बी के बीच का एंगल थीटा था, तो एडिशन,
अब ए माइनस बी कर रहे हैं तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा मींस जो यहां पे थीटा थीटा था वहां पर हम क्या लिखते जा रहे हैं 180 माइनस थीटा। अब बेटा साइन 180 माइनस थीटा को आप फॉर्मूले से सोल्व करोगे, फॉर्मूला मैं यहां लिख दे रहा हूं, साइन ए प्लस माइनस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस माइनस कोस ए साइन बी। इससे अगर हम सोल्व करेंगे तो ये बेटा सेम आ जाएगा, टेन इनवर्स ऊपर वाली टर्म सेम आएगी बी साइन थीटा, और कोस 180 माइनस थीटा को हमने यहाँ सोल्व किया क्या है माइनस कोस थीटा, तो बाई में ए माइनस बी कोस थीटा। तो ये है बेटा हमारे पास एंगल। जब दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा, ऐड करें तो क्या आएगा, ऐड करेंगे बेटा रिजल्टेंट ये आएगा, एंगल ये आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे रिजल्ट ये आएगा, एंगल ये आएगा। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक, वेक्टर को एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करना है। ये बेटा हमने डीपली किया है तो आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, अगर आपने हर स्टेप को बिल्कुल आराम से सोच समझ के किया है, सोच समझ के आपने फुल्ली फोकस्ड यहाँ पर रहा है तो आपको ये क्लियर हो गया। अब आप जब भी न्यूमेरिकल सोल्व करो तो आपको सिर्फ ये दो फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला, बाकी आप अपने आप कर दोगे। जहां जहां देखो दो वैक्टर ये है बेटा ए और बी, ए और बी ये है, इन दोनों को एड करेंगे तो कहाँ आएगा यहां। अगर a में से हमें b को माइनस करना है तो इसका माइनस माइनस इसका कहां आएगा बेटा यहां आएगा। अब इन दोनों के बीच का एंगल क्या था थीटा, तो ये एंगल क्या होगा 180 माइनस थीटा। मींस जब भी हम दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो थीटा की जगह पर क्या लेके चलेंगे, थीटा की जगह पर क्या लेकर चलेंगे 180 माइनस थीटा, और उसी फॉर्मूले में लगाना है, आपका आंसर करेक्ट आएगा। ओके बेटा, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। एंड वन मोर थिंग बेटा, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है लेक्चर तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना करना वो आपकी चॉइस है। अगर आपको डेली वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं और आपको अच्छा फील हो रहा है, कंफर्टेबल लग रहे हो, तो बेटा सब्सक्राइब कर देना, वरना अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना बेटा। ओके बेटा, जैसा कि अब तक हमने पढ़ा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अब बेटा इसी के अंदर एक और लॉ है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये और बेटा हम इसके साथ में ऐड कर रहे हैं पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ क्या होता है, पॉली मतलब ज्यादा। अब तक दो वेक्टर को ऐड कर रहे थे हम, दो वेक्टर को हम आसानी से ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ की हेल्प से ऐड कर सकते हैं, लेकिन अब बेटा अगर हमारे पास दो वेक्टर से ज्यादा वेक्टर एक साथ हो तो हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। मींस हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास चार वेक्टर हैं, चार या पांच वेक्टर, मींस दो से ज्यादा है, तो हम उन वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा पॉलीगन की साइड। मान लो ये वेक्टर वन है, इसके बाद बेटा ये हमारे पास वेक्टर टू है, ये वेक्टर हमारे पास थ्री है। मींस हम जितने भी वेक्टर्स हैं उन वेक्टर्स को मिला के एक पॉलीगन बना रहे हैं, तीन वेक्टर्स, और ये हमारे पास फोर वेक्टर, और ये हमारे पास बेटा पांच वेक्टर। इन पांच वेक्टर का हमें सम करना है, वी हैव टू ऐड दीज फाइव वेक्टर्स। सो विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ वी कैन ऐड, बट दैट मेक्स वेरी डिफिकल्ट, दैट मेक्स ए लॉन्ग प्रोसेस, बट बाय दिस वे वी कैन सोल्व विद इन टू और थ्री और टेन सेकेंड्स। मीन्स इट्स वेरी फास्टली, इट्स वेरी फास्ट मैथड टू कैलकुलेट या टू सोल्व वैक्टर एडिशन वेन देर आर मोर देन टू वैक्टर्स आर देर। देखिए बेटा, अब हमें वैक्टर्स लो पॉलीगोन ला वैक्टर एडिशन क्या कहता है, ये कहता है जितने भी वैक्टर्स को आपको एड करना है आप उनको पॉलीगोन की साइड के रूप में एडजस्ट कर दो। एडजस्ट कर दिया, उनके बीच का एंगल बेटा जो एंगल आपको गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग ही लेना है। अब इन सब का जो रिजल्टेंट आएगा, मीन्स एक वैक्टर प्लस दो वेक्टर प्लस तीन वेक्टर प्लस चार वेक्टर प्लस पांच वेक्टर, इन सब को जोड़ दें तो बेटा कोई ना कोई तो वेक्टर बनेगा, उसका हम क्या नाम रख देते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर आर। वो क्या है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। अब रिजल्टेंट वेक्टर अगर हम देखें तो वो पॉलीगोन लो ये कहता है कि उस पॉलीगोन की वो साइड जो उस पॉलीगोन को कंप्लीट कर दे, तो बेटा इस पॉलीगोन की ये साइड इस पॉलीगोन को कंप्लीट कर देगी, और अपोजिट ऑर्डर में, अपोजिट ऑर्डर में, ये है बेटा रिजल्टेंट।
ये क्या है रिजल्टेंट. सो नाउ वी आर गोइंग टू मेक स्टेटमेंट ऑफ पॉलीगॉन लॉ. पॉलीगॉन लॉ क्या है, इफ ऑल वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल या ऑल वेक्टर आर एडजस्टेड और प्लेस्ड अकॉर्डिंग ऑल वेक्टर्स आर प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन साइड्स ऑफ पॉलीगॉन मीन्स पॉलीगॉन की साइड के रूप में हम उनको रखते जाएं. इफ ऑल वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन देन द रिजल्टेंट वेक्टर विल बी गिवन बाय द रिमेनिंग साइड इन अपोजिट ऑर्डर दैट साइड विल रिप्रेजेंट द वेक्टर एडिशंस ऑफ ऑल वेक्टर्स. आई होप इट इज क्लियर. बेटा देखो जितने भी वेक्टर्स हैं उनको हमने पॉलीगॉन की साइड ग्रुप में एडजस्ट करना है. जो साइड बच गई वो साइड उन सब का सम होगी और अपोजिट ऑर्डर में कैसे इस ऑर्डर ये ऑर्डर तो ये भी इस ऑर्डर में आना था लेकिन अपोजिट ऑर्डर में. तो ये कहता है बेटा पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. बुक से स्टेटमेंट पढ़ोगे बहुत लेंथी है. अब देखो इसके ऊपर इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं. कैसे प्रूफ करेंगे देखो अगर हम ध्यान दें एक और दो इन दो का बेटा रिजल्टेंट अगर मैं ट्रायंगल लॉ से करूं तो क्या आएगा ये आएगा. ये किसका रिजल्टेंट है एक वेक्टर प्लस दो वेक्टर इन दो का रिजल्टेंट ये. अब अगर मैं इसको और इसको जोड़े बेटा तो ये क्या होगा ट्रायंगल की दो साइड तो ये हमारे पास क्या बन गया रिजल्टेंट ऑफ वन प्लस टू प्लस थ्री. अब इसको बेटा फोर में जोड़े तो एक साइड ट्रायंगल की ये और एक साइड ट्रायंगल की ये तो ये हमारा क्या बन जाएगा वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर. और इसमें बेटा पांच को जोड़े तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव. तो ये बेटा आप इसको ऐसे प्रूव भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल्स लॉ. लेकिन आपको इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करने बेटा न्यूमेरिकल्स बहुत इंटरेस्टिंग है. आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. तो बेटा हमने वेक्टर्स के तीनों लॉ ऐड करने की स्टडी कर लिए. पैरेललोग्राम लॉ और वेक्टर लॉ को हमें तब यूज करना है जब हमारे पास सिर्फ दो वेक्टर हो दो से ज्यादा हो तो आपको डायरेक्ट किस पर आ जाना है पॉलीगॉन पर. अब बेटा एक मैं आपको न्यूमेरिकल दिखाता हूँ जो लास्ट ईयर पूछा गया था नीट जेई में बहुत बार पूछे गए इस टाइप के न्यूमेरिकल. ये था एक वैक्टर ए है एक वेक्टर बी है एक वेक्टर सी है एक वेक्टर डी है और एक वेक्टर ई है. तो आपको रिजल्टेंट बताना था ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई. क्या हम रिजल्टेंट बता सकते हैं बता सकते हैं. कैसे देखो अगर हम इस साइड को एक सेकंड के लिए भूल जाएं इस साइड को एक सेकंड के लिए भूल जाएं क्लियर. तो बेटा इन चार का सम इन चार का सम कहां आएगा. इनको हमने ये पॉलीगॉन की साइड हो गई तो इनका रिजल्टेंट कहां आएगा बेटा इस साइड आएगा. इनका रिजल्टेंट कहां आएगा इस साइड मींस ये क्या आ गया वन वो ए प्लस बी प्लस सी का रिजल्टेंट. अब इसके अंदर अगर हम ये ऐड कर दें मींस ये अगर ई है तो ये क्या हो बेटा माइनस ई. हमारे पास रिजल्टेंट क्या आ गया मींस इतना सा आसान सा क्वेश्चन नीट चाहिए सिर्फ कंसेप्चुअल मींस. एक बार और देखो एक और एग्जांपल से आपको दिखाता हूं. जैसे ये है एक ये आपके पास दो ये आपके पास तीन और ये आपके पास बेटा चार. इन चार को आपको जोड़ना है ठीक है. तो सिंपली अगर हम पॉलीगॉन लॉ की हेल्प से देखें एक बार हम इसको भूल जाते हैं फोर्थ को तो एक दो तीन इन तीन को बेटा ऐड करें तो रिजल्टेंट कहां आएगा अपोजिट ऑर्डर में ये. और इसके अंदर अगर मैं इस फोर को ऐड करूं तो इक्वल है और अपोजिट है तो नेट क्या आएगा बेटा जीरो. तो इस टाइप से बेटा क्वेश्चन पूछेंगे नेट चाहिए. तो आप पॉलीगॉन लॉ को इग्नोर नहीं कर सकते. मोस्टली यूज होगा पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ क्योंकि उन दोनों से हम दो का निकाल सकते हैं लेकिन अगर दो से ज्यादा हो तो बेटा आपको इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी. तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर. आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा दो वेक्टर्स हैं दो वेक्टर्स को हम कैसे ऐड कर सकते हैं वो आज हमने सीख लिया. अब बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्राई करेंगे दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है मींस स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट वही दो नाम क्यों रखे हैं उस सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके बाद बेटा प्रोजेक्टाइल डिस्कस करेंगे. ओके आई होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर. थैंक यू सो मच हैव ए नाइस डे. ओके.